तो एक महत्वना समाचार प्राप्त थी रहा है। राहुल गांधी गुजरात ना प्रवासे छे त्यारे तेओ बावड़ा खाते सभा ने संबोधी रहा छे। आवो सांभळो। मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताता हूं, मैं आपको आपकी मन की बात बताता हूं। आपके मन में क्या है? आपके मन में यह है कि पैसा कानून और वन अधिकार का कानून, जिसके माध्यम से आपको अपना जल, अपना जंगल और अपनी जमीन मिलनी चाहिए, वो कानून गुजरात में लागू होना चाहिए। दूसरी बात, जो गुजरात सरकार ने वेकेंट पोजीशन है, खाली जगह है, आप चाहते हो कि 6 महीने में वो जगह भर दी जाए। तीसरी बात, आप चाहते हो कि आदिवासियों को 5 साल के अंदर पक्के घर दिए जाए। चौथी बात, आप चाहते हो ज्योतिबा फुले स्पेशल ट्राइबल टैलेंट स्कॉलरशिप स्कूल और कॉलेज में दी जाए। और पांचवी बार, आप चाहते हो कि जब आपसे आपकी जमीन ली जाए तो आपको सही कॉम्पेंसेशन दिया जाए। अब जमीन के मामले पर चलते हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए, गुजरात के लिए बहुत जरूरी मामला है। बीजेपी सरकार ने आपसे 6.5 लाख एकड़ जमीन छीनी है। यह आपकी जमीन थी, आपके हाथों से बीजेपी सरकार ने यह जमीन छीनी और आपको सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यूपीए सरकार ने मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए डाले। 35,000 करोड़ रुपए में पूरे देश में हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला पूरे देश में, उतना पैसा श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बिना किसी और से पूछे टाटा कंपनी को नैनो फैक्ट्री के लिए दिया। मतलब 33,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को नैनो गाड़ी बनाने के लिए दिया। यहां पास से नर्मदा निकलती है, कैनाल निकलती है। मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात के आदिवासियों ने क्या गलती की है कि इस कैनाल में से आपको पानी नहीं मिल सकता है मगर टाटा नैनो को मिल सकता है? आप में क्या कमी है, क्या गलती की आपने? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपको बिजली नहीं मिलती, किसान को रात को बिजली मिलती है मगर टाटा नैनो को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, टाटा नैनो फैक्ट्री में आपको कितने लोगों को रोजगार मिला? आप मुझे बता दो, इस भीड़ में कोई है, एक व्यक्ति है जिसको टाटा नैनो फैक्ट्री में मिला रोजगार? आपको नहीं मिलेगा। आपको कहा था रोजगार मिलेगा, आपको कहा था शिक्षा मिलेगी, आपको कहा था स्वास्थ्य मिलेगा। आप अपनी जमीन दो, बिजली दो, पानी दो, मैं फैक्ट्री बनाता हूं और गुजरात को आगे बढ़ाता हूं। आपने अपनी बिजली दी, अपना पानी दिया और अपनी जमीन जो आपकी मां है वो आपने दी, दिल से दिया, और आपको वापस ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। हर माता पिता सपना देखते हैं, आदिवासी भी सपना देखते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने,
डॉक्टर बने, मगर गुजरात में टाटा नैनो फैक्ट्री को 33,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है, मगर गुजरात में एक मां अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती है तो सरकार उसे 1 रुपया नहीं देगी, जेब में जब उसको 10-15 लाख रुपए पहले दिखाने पड़ते हैं। अगर गुजरात में कोई बीमार होता है, किसी के माता पिता बीमार होते हैं, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, तो गुजरात की सरकार उसको 1 रुपया नहीं देगी। एक्सरे कराना है तो 1,000 रुपए निकालो, एमआरआई कराना है तो 1,000 रुपए निकालो, और अगर ऑपरेशन कराना है तो पहले जेब में से 1,00,000 रुपए निकालो, नहीं तो मर जाओ। यह है गुजरात की सच्चाई। आपसे कहा था, मोदी जी ने आपसे कहा 2007 में, आपसे कहा था कि आदिवासियों को मैं 15,000 करोड़ रुपए दूंगा। 2007 के बाद आए 2012 में, आपसे कहा कि देखो 5 साल में मैं पैसा नहीं दे पाया, पहले 15,000 करोड़ का वायदा किया था। 2012 में आते हैं कहते हैं भूल जाओ, इस बार मैं 40,000 करोड़ रुपए आदिवासियों को दूंगा। 2017 हो गए, मैं आपसे पूछता हूं टाटा नैनो को एक कंपनी को 33,000 करोड़ रुपए मिले, आपको 55,000 करोड़ रुपए का वायदा किया था, आपको 1 रुपया मिला? 1 रुपया मिला आपको? दूसरा सवाल पूछता हूं, आप गुजरात की सड़कों में जाते हो, घूमते हो, चलते हो, आपने इन सड़कों पे टाटा नैनो देखी है? कहीं देखी आपने टाटा नैनो? तो क्या हुआ आपके पैसे का? कहां गया 33,000?